भूत, प्रेत, आत्मा, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, कुछ लोगों ने ये बहुत ही करीब से फील करा है और कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग कंफ्यूज हैं। कहते हैं जहाँ पे अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। इसी के रिलेटेड आज हमारा एक टॉपिक है। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल डाला था कि मेरे पास एक 100% रियल हॉन्टेड स्टोरी है, क्या आप जानना चाहेंगे? तो आप में से बहुत से लोगों ने कहा हाँ उन्हें जानना है। पिछली वीडियो पे आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चाहते हैं द ग्रेट खली के ऊपर जो मैंने रिएक्शन दिया था उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, उसका मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँ जो कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ये वीडियो और वीडियो से बिल्कुल अलग है, एक बात मैं क्लियर कर दूँ। कहते हैं कि हमारे सराउंड में बहुत सी ऐसी एनर्जी है जिनको हम फील नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम उनको फील कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ये हम नहीं चाहते, ये वो एनर्जीज चाहती हैं, वो नेगेटिव एनर्जी। तो ऐसी एक कहानी है, ये मेरे कज़न की स्टोरी है, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, 100% रियल है। ये बात लगभग आज से 5 से 6 साल पहले की है। हमारे घर के 10 से 15 किलोमीटर अराउंड में एक एरिया है, एक्चुअली वो एक बर्ड सेंचुरी है, उसके बीच में से रोड जा रही है, वो एक बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ पे जंगल है। वो तो लगभग शाम के 7-8 बज रहे थे, सर्दियों का टाइम था। तो जो मेरा कज़न था वो वहाँ से बाइक लेके आ रहा था, वो रास्ता थोड़ा सा लंबा है, 10 से 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का है। तो उसे बीच में टॉयलेट जाना था तो उसने साइड में बाइक रोकी, वो बाइक पे था। लगभग 7 से 8 बज रहे थे शाम के, सर्दियों के टाइम पे बहुत अंधेरा हो जाता है ना, ट्रैफिक ज़्यादा चलता है, सब लोग अपने घर में रहना पसंद करते हैं। उस टाइम क्या हुआ, वो जैसे ही रोड के सहारे गया, वो जंगल था दोनों तरफ रोड के, रोड के जैसे ही सहारे गया बाइक पार करके, वहाँ पे उसे रोड से जंगल की तरफ, वहाँ से उसे सामने जंगल में एक मेमने का बच्चा दिखाई दिया। वो मेमने का बच्चा इतना प्यारा था, उसके अंदर से एक ग्लो सी निकल रही थी, मतलब वो एक वाइट कलर का था एकदम। वो कह रहा था कि रात के अंधेरे में भी वो इस तरीके से चमक रहा था। सोचा कि ठीक है मैं जाके इसको पकड़ लेता हूँ। उसने बोला कि उस टाइम मेरा जो माइंडसेट था वो एकदम से ऐसा हो गया चेंज कि मेरे को लगा नहीं यार मेरे को ये चाहिए, वो इतना प्यारा लग रहा था और वो बहुत छोटा था। तो वो गया उसके पास में, तो जब वो उसके पास में गया तो मेमने का बच्चा थोड़ी दूर चला गया भाग के, नेगेटिव एनर्जी का असर। तो वो उसके पास गया तो वो मेमना जंगल के अंदर की तरफ चला गया, वो भी थोड़ा उसके पीछे गया तो उसने क्या देखा, वहाँ पे एक छोटा सा घर बना हुआ है, एक बहुत पुराना टूटा फूटा सा। तो जैसे ही मेरा कज़न उस मेमने के पीछे गया तो वो मेमना उस घर के अंदर चला गया। जब वो उस घर के अंदर गया उसे देखने के लिए तो वो गायब हो गया वहाँ से, मतलब वो घर के गेट तक ही पहुँचा था मेमने का बच्चा, वो वहाँ से एकदम से गायब हो गया। जब वो गायब हुआ तो मेरा कज़न एकदम शॉक्ड हो गया कि ये कैसे। तो जैसे ही वो गायब हुआ तो उसकी जगह, मेमने की जगह, एक लकड़ी का बहुत बड़ा बॉक्स अराउंड लाइक इतना साइज का वो वहाँ पे आ गया उसकी जगह पे। तो उसको लगा शायद मेमना अंदर चला गया हो, यहाँ पे ये लकड़ी का बॉक्स है सिर्फ। लकड़ी के बॉक्स पर उसने क्या चीज़ नोटिस करी कि लकड़ी का जो बॉक्स था वो थोड़ा सा खुला हुआ था, उसके अंदर से कपड़े बाहर आ रहे थे और उसके अंदर से हल्की सी चमक आ रही थी। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, उसने सोचा पता नहीं क्या है ये चमक रहा है, एक ग्लोइंग था उसके अंदर भी जैसे मेमने के अंदर था, वो थोड़ा सा खुला हुआ था। वो हिम्मत करके उसके पास गया, तो जैसे ही पास गया, जैसे ही उसने वो खोला तो उसके अंदर से एक बहुत तेज रोशनी उसके ऊपर आई और वो पीछे गिर गया, रोशनी के ऐसे करके वो पीछे हुआ हो गया पूरा सा, ऐसे रोशनी आती है ना। तो जब वो पीछे हट गया तो एकदम से वो खड़ा हुआ दोबारा देखने के लिए कि क्या हुआ, तो वो बॉक्स भी वहाँ से गायब हो गया था। एट दिस टाइम वो समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब मेमना भी सच में गायब नहीं हुआ था और ये बॉक्स भी नहीं है, मतलब ये सब जो भी है ये धोखा है, भ्रम है जो कोई पैदा कर रहा है उसके सामने, ये कुछ भी रियलिटी नहीं है, वो ये बात समझ चुका था। एट दिस टाइम वो खड़ा हुआ और उसने वहाँ से भागने की कोशिश करी, वो दोबारा गिर गया। ऐसे टाइम पे होता है कि आदमी घबराहट के मारे गिर जाता है या फिर जो भी हो, जो भी रीज़न रहा हो। जब वो खड़ा हुआ दोबारा से तो उसको पीछे से किसी ने आवाज़ दी,
और जो आवाज़ उसने, मतलब जिसने भी उसको दी थी, उसने मुझे बताया कि वो बंदा नाक में बोल रहा था। मतलब जैसे कि बहुत से इंसान नाक में बोलते हैं, नाक बंद करके, अगर आप नाक बंद करके जाए, ऐसे मैं वर्ड बोल रहा हूँ, तो ये ना इस तरीके की वॉइस वो बोल रहा था पीछे से बंदा, वो बोल रहा था, जो भी बंदा था नाक में बोल रहा था, और वो मुझसे पूछ रहा था कि मेमने का बच्चा चाहिए या फिर लकड़ी का बॉक्स चाहिए। तो वो समझ गया कि यहाँ पे सीरियसली कुछ गड़बड़ है। गलती उसने ये कर दी वहाँ पे कि उसने पीछे पलट के एकदम देखा, एकदम क्यूरियोसिटी में आदमी देख लेता है ना पीछे पलट के। उसने जैसे ही पीछे पलट के देखा तो वो सही से चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन जहाँ तक उसकी निगाह पड़ी, एक आदमी था जो कि हवा में था हल्का सा, और वो काफ़ी लंबा था और उसकी तरफ देखे जा रहा था। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, उसको देखते ही वो बेहोश हो गया वहीं पर, मेरा कज़न। और वो बता रहा था वो एक काफ़ी लंबा आदमी था और हल्का सा वो हवा में था, और उसने जो कपड़े पहने हुए थे, ऐसे काले रंग के से कपड़े पहने हुए थे, और वो पीछे की तरफ गिर गया। मतलब उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे और वो हवा में था, मतलब ज़मीन से लगभग इतना ऊँचा। तो फिर वो पीछे गिर गया, और जब वो पीछे गिरा तो वो उठ के भगा। जब वो उठ के भगा तो वो पीछे गिर गया, और जब पीछे वो गिरा तो वो डर के वजह से बेहोश हो गया। लगभग 2 से 3 घंटे है, मतलब रात के, उसने बताया कि लगभग 10 बज गए थे। उसके बाद उसे होश आया। जब उसे होश आया तो सब कुछ गायब था वहाँ से, वहाँ कुछ भी नहीं था। और वो खड़ा हुआ जल्दी से, वो उस जंगल से निकल के रोड पे आया, अपनी बाइक उठाई और वापस वो घर आया। उसने बताया उस दिन के बाद से उसने कभी भी उस रास्ते पे जाना ही बंद कर दिया। और उसका जो ये एक्सपीरियंस था, वो बोल रहा है कि ये एक्सपीरियंस मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब इस तरीके का वो एक्सपीरियंस था, वो कोई ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ भी। वो बोल रहा था कि जब मैं होश से उठा था तो मेरी नोज़ से ब्लीडिंग हो रही थी, लाइक किसी ने मेरी नोज़ पे पंच करा हो, या फिर मैं जब नीचे गिरा हूँ तो मेरी नोज़ नीचे लग गई हो। तो जब मैं उठा था तो मैं सीधा भाग के बाइक पे आया और बाइक से घर पे आया। उसने बताया जब मैंने पलट के उस आदमी को देखा था, लिटरली वो बहुत लंबा था, लगभग लाइक 6-7 फुट के बीच का आदमी था कम से कम, और वो हवा में था तो उसकी हाइट और ज़्यादा लग रही थी, और एक अलग सी शाइन आ रही थी उसके सामने से, जैसे मैमने में से और उस बॉक्स में से आ रही थी। तो वो जो भी इंसान था, उसने बताया वो मतलब भ्रम कर रहा था, कभी वो मैमना बन के आ रहा था, कभी वो बॉक्स बन के आ रहा था, और फाइनली वो अपने असली रूप में आया। और पता नहीं वो भी उसका असली रूप था या नहीं। तो ये एक्सपीरियंस था उसका जो उसने मेरे साथ शेयर करी, दैट वाज नॉट अ फेक स्टोरी, वो बिल्कुल एक सच स्टोरी है। क्योंकि अभी हाल ही के टाइम में मेरे एक फ्रेंड ने और मुझे बताया था कि वहाँ पे यार कुछ तो प्रॉब्लम है उस एरिया में। सो ये आज की स्टोरी थी, आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो छीनी आ चुकी है, छीनी आप भी हॉरर स्टोरी सुनाओगे? आप भी हॉरर स्टोरी सुनाओगे? सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थोड़ा सा पीछे। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेक श्योर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइज वन मोर थिंग, अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए द ग्रेट खली वाली वीडियो का, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्ट, कीप वॉचिंग, लव यू।